मैं अभी लद्दाख के टूर पे आया हुआ था और सबने एक सजेस्ट किया कि यहाँ पर जो लास्ट विलेज है इंडिया पाकिस्तान का, तुरतुक से आगे थांग विलेज है और वहाँ पर मैं आया था। तो ये पहले एरिया जो था पाकिस्तान के अंडर था 1971 से पहले। तो अभी बस ड्राइव करते करते हमारे ड्राइवर साहब थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि एक ये म्यूज़ियम किसी ने बनाया हुआ है। तो मुझे वही हैरानी हो रही थी कि इतने शांत जगह पे कौन है, किसने म्यूज़ियम बनाया। तो हम यहाँ पर अभी आ गए हैं इस म्यूज़ियम में। मेरे साथ म्यूज़ियम के जो फाउंडर हैं, आपका नाम क्या है? जी सर, मोहम्मद अली सर, गोबा अली के नाम से जानते गोबा अली हैं। के नाम से इनको जानते हैं। जी एकदम थांग विलेज से मुश्किल से 200 मीटर जब हम वापस आ रहे होते हैं तो ये इन्होंने म्यूज़ियम बनाया है। तो मुझे जी प्लीज़ बताइए आप, जी एक तो आप यहाँ पर गोबा जो आपका नाम है जी इसका मतलब क्या होता है? गोवा सर, जो प्रधान को कहते हैं सर, गोवा गांव का प्रधान। जी। तो मेरा कहानी सर बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी हर कोई लड़का बेटा बेटी जब बड़ा करते हैं अपने मम्मी पापा पाल पूछ के जवान करते हैं। हाँ तो मेरा देखभाल सर इंडियन आर्मी ने किया है सर, अच्छा, बिलखुसूस लद्दाख स्कॉट और इंडियन आर्मी ने। कब, वो 71 के बाद? 71 के बाद सर। अच्छा, तो पहले आप पाकिस्तान में थे? जी सर, ये पाकिस्तान का हिस्सा जी था। सर। ओके, तो ओके। मैं आज के डेट में ये देश, ये इंडियन आर्मी में अपना मम्मी पापा समझते हैं। तो ओके। मैं होश संभाला, थोड़ा बड़ा हो गया, तो हाँ इंडियन आर्मी ने मुझे ज़बरदस्ती बनाया सर प्रधान, क्योंकि अच्छा, इसलिए बनाया कि इंडियन आर्मी ने पाल पूछ के बड़ा बनाया, तो काम किससे कराएंगे, अपना बेटे से काम कराएंगे ना जी सर। जी जी तो फिर हमारा आर्मी में जो डंकी सप्लाई करते हैं, पोटर सप्लाई हाँ करते हैं, लेबर सप्लाई करते हैं, या इधर उधर गांव में काम करना हो तो वो सारे काम मुझसे कराते थे। ओके, तो मुझे 20 साल तक सर प्रधान बना के रखा अच्छा आर्मी के साथ, मतलब आर्मी और सिविल के बीच में एक पुल समझ लो। अच्छा हाँ आर्मी, जी सर। अच्छा। तो आपने जो म्यूजियम बनाया था जी इसका बेसिकली क्या पर्पस क्या था? जी सर, इसका पर्पस फिर एक अजीब और गरीब कहानी है सर। तो मैं अपना मम्मी पापा से 5 साल में बिछड़ गया। ओके, बिछड़ने के बाद सर मेरे चाचा मामू ताया कोई नहीं रहा, मेरे चाचा भी इंडियन आर्मी रहा, मेरे मामू भी इंडियन आर्मी हुआ है, मेरे मम्मी भी इंडियन आर्मी हुआ, मेरे पापा भी इंडियन आर्मी हुआ। तो सर जब जिसका कोई नहीं होता है, जिसका कोई रिश्तेदार नहीं होता है, तो उस बच्चे के ऊपर, 5 साल के बच्चे के ऊपर आप सोचो सर क्या गुजरा होगा, क्या गुजरता होगा। जब मुझे पिटाई होते थे, मुझे ज़्यादतियाँ करते थे, मेरे ऊपर तकलीफ आते हैं, तो मैं क्या करता था सर, उस तकलीफ को से दूर रहने के लिए हम एक गुस्सा निकालते थे। मेरे गुस्सा निकालने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, मम्मी पापा सब पाकिस्तान चला गया, मेरे गुस्सा सर इन पुरानी बर्तनों पे करते थे। जब मैं कभी गुस्सा आते, कभी मुझे परेशानी आता, तो मैं कहता काश मेरा मम्मी होता, काश मेरा पापा होता, तो मुझे ये मुसीबत नहीं होता। ठीक है, ये सोच कर मैं उन पुराने बर्तनों से मैं बहुत प्यार करते थे। तो हम अभी इनके प्राइवेट जो कलेक्शन है, जो म्यूजियम बना रखा है, उधर तो लेके चल रहे आप हैं। थोड़े बर्तन सर, ये सारे चीज़ें जो से मेरा मम्मी पापा का जो तोहफा था अच्छा वो यूज़ करते थे पुराने ज़माने में। जी तो जी मैंने उन पुरानों को अपना मम्मी पापा का तोहफा समझ कर, इसी को मम्मी समझ कर, इसी को पापा समझ कर सर हमने इनको संभाल कर रखा। ये सर मेरे मम्मी पापा जब 1971 मैं 2014 में मिलने के लिए गया था सर कहाँ पर? पाकिस्तान। पाकिस्तान में जी। तो आपको अलाउ कर दिया था? जी सर। तो मिलने के गया, जाने के बाद सर यहाँ पर मैं मम्मी पापा के गोद में बैठे हुए, किसी ने देखा तो किसी ने फोटो खींचा, तो एक पाकिस्तानी अखबार में आया था, सो बोला कि बचपन में मम्मी पापा के गोद में नहीं बैठ सका, अब ये बुढ़ापे में अपना मम्मी पापा का गोद में बैठा हुआ है सर। अच्छा, ये जो मैं 14 में जाके आया था सर, मम्मी पापा से मिल के आए थे जी सर। जी जी सर। ये क्या चीज़ है? ये बत्ती रखने के सर, ये एक्चुअली क्या करते थे सर, ये लैंप, लैंप है। लैंप, हाँ सर बिल्कुल सर, ये पत्थर का बना हुआ है सर, इसके ऊपर खुबानी के तेल डालते हैं, तो फिर यहाँ से एक दिया जलते रहते थे सर। जी, ये उसका स्टैंड बनाए रखा था। और ये देखिए सर, पुराने जमाने में जो लॉक है सर, घर में लॉक लगाते हैं, तो इस तरीके से घर में लॉक लगाते हैं सर, ये इसका चाबी है सर, ये इसमें ये भी आईवीएस का सिंक है सर, इस तरीके से ये लगा दिया तो ऐसे ऐसे धक्का मारा ये निकल गया। ये इस तरीके से लगाते हैं सर घरों में, इस तरीके से लगाए, इसको बाहर आए तो दरवाजा खोला, लॉक लगा रहे, इसको अंदर डाल दिया, लॉक हो गया सर। तो ये आपका घर भी कब का है? 70s का ही है? नहीं सर, ये बाद में खुद मैंने बनाया। अच्छा, खुद बनाया है। जी सर। बहुत सुंदर है आपका घर। जी सर। और ये सारे अंगूर सचमुच के हैं जो ऊपर लगे हुए हैं? जी सर, ये सारे चीजें सर, अब मैं इसका भी मैं कहानी बता दूं सर। तो अभी हर कोई कहते हैं कि आपने ये सारे चीजें अनोखा बनाया, अभी सर हमारा आपका ड्राइवर साहब ने भी यही कहा
था कि यहाँ पर सब कुछ अनोखा बनाया। हाँ। अनोखा में ये सोचते हैं सर हमारा लद्दाख एक जन्नत है, क्योंकि लद्दाख में कीमती कीमती फ्रूट्स है, जैसे एप्पल आते हैं, नाशपाती आते हैं, अंगूर आते हैं, सारे कीमती फ्रूट्स जो मार्केट में आते हैं वो हमारे लद्दाख में आता है जी। लेकिन हमारे लद्दाख के लोगों ने ऐसी जगह खूबसूरत जगह के ऊपर ये सारे फ्रूट नहीं लगाता है, इस पे तवज्जो नहीं देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसमें तवज्जो देकर दुनिया को हम बता दें भाई यहाँ पर फ्रूट्स इस तरीके से आते हैं। तो मैं अब आपके साथ इनकी जो बाकी प्रॉपर्टी में जो और भी जो चीज़ें इन्होंने ऐड करी हुई हैं वो देखने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर घर है। तो आपने यहाँ टिकट वगैरह भी रखा है? सर नहीं रखा। अच्छा, आप सिर्फ लोगों को चाहते हैं कि यहाँ के बारे में जाने? जी सर, मैं ये चाहते हैं सर, आप टिकट की बात करते हैं ना सर। हाँ। मैं सोचते हैं सर, मैं आपको एक एक बात बता देते हैं, ये आप जब टिकट की बात हुआ तो वो बात याद आते हैं। तो आज सर इस उम्र के 50 60 70 80 साल के कोई बूढ़ा बूढ़ी आते हैं तो मैं सोचते हैं यही मेरे मम्मी था, यही मेरे पापा था। सर ये मैंने बनाया सर, लद्दाख का स्ट्रक्चर बनाया सर। तो लद्दाख सर असल में लद्दाख ही सर, जैसे आप आते हैं टूरिस्ट जितना आते हैं तो सिर्फ सर इन एरिया में आता है, इसी एरिया में घूमता है, फिर आप लोग चला जाते हैं सर। तो मैं भी बहुत दुख होते हैं इतना खर्चा करने के बाद आप लोग इस एरिया में घूम कर फिर चला जाते हैं। असली लद्दाख सर इन नालों में होता है सर। इस नाले में लद्दाख की क्या परंपरा होता था सर, लद्दाख के लोग गाय पालते, बकरियां पालते, भेड़ पालते, याक पालते हैं सर। पालने के बाद क्या करते हैं, जब अब गर्मी का मई जून का महीना आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, इस नाले में पूरा गाय बकरी ले जाते हैं, फिर वहां से गाय बकरियों से पश्मीना जमा करता, बाल जमा करता, ऊन जमा करता, मखन जमा करता, करने के बाद सर इन पश्मीना ऊन से सर्दियों में अपना कपड़ा तैयारी करता सर इधर आके, फिर लद्दाख के बाद आज लद्दाख ने सब कुछ छोड़ दिया सर, इधर मार्केट बना दिया। तो अब मैं पूछता हूँ सर ये परंपरा छोड़ दिया, खुदा ना करे पीछे से आने वाला सप्लाई बंद हुआ तो फिर हम क्या खा सकते हैं, कैसे हम जिंदा रह सकते हैं, ये लद्दाखियों को आपने एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए। तो गोबा अली जी, आपका ये गार्डन तो बहुत बहुत सुंदर है, जन्नत, एकदम जन्नत है। तो अब आप मुझे क्या दिखाने जा रहे हैं, ये फ्लावर सारे आपके हाथ के लगे हुए हैं? ये सारे फ्लावर सर मैं हिमाचल कुमाऊं एरिया गढ़वाल एरिया जैसे हाईल्टीट्यूड का हर जगह में मैं सर्दियों में जाता हूं सर, दिसंबर जनवरी फरवरी में। अच्छा। जाने के बाद सर फिर मैं वहां से सारे चीज़ें यहां लेके आके कलेक्ट करते हैं सर। तो मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट है सर, मैं जब आप जैसे आप टूरिस्ट यहां आते हैं तो आप एक खुबानी खाने के बाद दाने को आप फेंक देते हैं या आप तोड़ देते हैं, तो मैं कहते हैं सर खाने के बाद प्लीज़ आप उस दाने को जेब में डालकर ले जाइए, अपना उधर लगाइए। अभी कहते हैं हमारे वहाँ नहीं आएंगे, भाई लगाए ही नहीं है तो आएगा कहाँ। हो सकता है खुबानी वहाँ बढ़िया आता होगा, हो सकता है एप्पल वहाँ बढ़िया आता होगा। तो ये इसलिए सर यहाँ पर कम से कम 40 से 50 वैरायटी के फ्रूट्स पे मैं पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ सर। और जी, अब मैंने सर यहाँ पर ये जो म्यूजियम बनाया सर, असली जो म्यूजियम है, अब ये बैठने का तरीका था सर लद्दाख का, ये एक लद्दाख के घर सर एक तंदूर बनाते थे, तंदूर जैसे रोटी पकाने के लिए तंदूर बनाते हैं ना सर, उसमें पहले खूब आग लगाने के बाद फिर पत्थर गर्म होने के बाद फिर उसमें रोटी सीकते हैं। इसी तरह सर लद्दाख के घर भी बिल्कुल छत छोटा बनाते हैं सर, इतना छोटा छत बनाते हैं और अंदर सर बेटा का सोने की जगह, बेटी की जगह, इस तरीके से बिल्कुल तंग और छोटा बनाते हैं। बनाने के बाद से इसके ऊपर 2-4 फुट मिट्टी डाल दिया, डालने के बाद सर फिर ऊपर 6 फुट का बर्फ भी पड़े, इसका अंदर सर बिल्कुल अंदर एक तंदूर बनाकर फिर इसका अंदर गाय भी रखता, बकरी भी रखता, लोग भी इसके अंदर सोता, इसके अंदर बैठता सर, कोई दिक्कत नहीं होता सर, यहाँ पर आराम से देखो सर इस तरीके से यहाँ बैठता था सर, पुराने घरों का तरीका ये है सर। जी, तो सर खाने के तरीका सर मैं आपको बता, लद्दाख के खाने के तरीका क्या था सर, अभी इसके अंदर सर आपको पत्थर बिल्कुल नहीं मिलेंगे क्योंकि लद्दाख कम से कम सर 10,000-9,000 साल पहले वाली जो हिस्ट्री में बताता हूँ, क्योंकि लोहा आने से पहले, पीतल से पहले लद्दाख का ज़िंदगी क्या था सर, ये लोग ये पत्थर का ये बनाते थे सर, इससे इसमें गेहूँ को पहले पकाते थे, इसको पकाने के बाद सर ये जब गेहूँ को पकाने के बाद फिर यहाँ पर सर सर फिर इस तरीके से पीसते सर, आटा बनाते सर इस तरीके से यहाँ आटा बनाने के बाद अब यहाँ पर सत्तू तैयार हो गया लद्दाखियों के लिए। सत्तू तैयार होने के बाद फिर जब लद्दाख सर, अभी आपको मैंने नाला दिखाया ना सर, उस नाले में बारी के लिए चला जाते हैं अपने गाय बकरी के, जैसे आपका 2 गाय है तो आप 10 दिन बैठेंगे, मेरे 3 गाय है तो मैं 15 दिन बैठेंगे, इस तरीके से एक बारी के हिसाब से नालों में चला जाते हैं जी। जाने के बाद क्या तरीके जाते हैं सर, जैसे ये बर्तन उठाते हैं जब ट्रेकिंग नाले में गाय के साथ जाना है,
एक बर्तन उठाया और लद्दाख की कपड़ा सर इतना लंबा होते हैं, वो आपको पता है ना सर, जो लंबा लंबा पहनते हैं, उसका मतलब ये है कि रात का कपड़ा भी लद्दाख के लोग कंपलसरी अपना साथ रखते हैं। सब जब नाले में चले जाते हैं तो ये खाली एक बर्तन उठाया और अपना कपड़ा साथ है, और इसमें दही के साथ वो सातू डाल दिया या लस्सी के साथ डाल दिया, तो बस न माचिस की जरूरत है सर, न बर्तन की जरूरत है, बस इसी से सर अपना 10-15 दिन गुजार जाता था सर। ये लद्दाख का जो हिस्ट्री है सर, ये खुबानी के तेल निकालने के सर यहाँ पर तोड़ देते हैं, फिर यहाँ पर कूटते हैं सर, फिर यहाँ पर पीसता है सर। ये लद्दाख का जो हिस्ट्री है सर, ये सर रोटी बनाने के लिए इस तरीके से पत्थर का ये बर्तन है सर, ये पत्थर का ये रोटी बनाते हैं सर, और ये सर पत्थर का बर्तन है सर, इस तरीके से ये भी पत्थर का है सर, ये लकड़ी का जो करछी है सर ये पत्थर का, और ये भी पत्थर का सर, हर कलर का हर वैरायटी का सर पत्थर का बर्तन बनाते हैं। जैसे ये देखिए सर, ये भी पत्थर का, और ये है सर आप देखो, ये उठाने का सर, अरे वाह, उठाने के लिए है सर। लोहे के जगह पे ये आइबेक्स जंगली बकरे का सिंग को यूज़ करते थे, जहाँ लोहा का ज़रूरत पड़ता तो इसका सर ये ताला भी सर, ये भी इसी का बनाया है, इसको बनाते हैं सर। जो शिपालीन बनाने के लिए सर घुमाकर इस तरीके से इसमें स्पिन करते हैं सर, और ये सर आप इस धागे से कपड़ा सिलाने के लिए सर, जैसे शॉल वगैरह बनाने के लिए इस तरीके से गाय का बकरियों का पेड़ से बनाते थे सर। लेकिन लद्दाख के लोगों को बाहर का छोटी सी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता था सर, कपड़े से लेकर खुद बनाते थे, खेतों से फल फ्रूट से अपना ज़िंदगी गुजारते थे, और गाय का बकरी के चमड़ा और बालों से ज़िंदगी गुजारते थे। तो लद्दाख को सर और किसी दुनिया का ज़रूरत नहीं पड़ता था, और मतलब पैसे का कोई माना नहीं लगता था सर, लद्दाख फुल इंडिपेंडेंट होता था सर, ये लद्दाख का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बहुत कुछ यहाँ की कल्चर हिस्ट्री के बारे में पता चला, थैंक यू। तो ये ब्यूटीफुल गार्डन है जो कि गोपाली जी ने बनाया है यहाँ पर, देखिए इतना सुंदर है, और अभी इन्होंने बताया है कि सारे एरियाज़ में जाते हैं गर्मियों में, वहाँ से बीज वगैरह लाते हैं, और ये इन्होंने क्रिएट किया हुआ है एक सुंदर सा, ये देखिए मछलियाँ भी पाली हुई हैं इस हाइट के ऊपर, यहाँ भी फिशेज हैं, अरे वाह, ये तो मैं भी कोशिश करूँगा, दीजिए मेरे को, दीजिए दाना जी सर। ये क्या है खाने को? ये इसका दाना है सर, फिश फूड। देखिए अब आएंगे मेरे को, आएगा सर, आएगा पक्का आएगा सर। अरे वाह, तो ठंडे मौसम में भी एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं होती जी सर? अच्छा।